11.3, how are you? Today we will start our Oxford New Countdown 3rd edition, page number 111. Today our topic is proper and improper fractions. अब मैं आपको बताऊंगी कि proper fraction क्या होती है और improper क्या होती है. A proper fraction is a fraction in which the numerator is less than the denominator. यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, मीन ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाले नंबर से. जैसे हमें एग्जांपल में बताया गया है 3/5, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है. यहाँ पे क्या है 4/9, तो यहाँ पे भी यही सेम केस है 4/5, 11/13. तो आपने करना क्या है, इन एग्जाम्पल को याद रखना है. इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम्पल आप खुद भी दे सकते हैं. जैसे हम यहाँ लिख दें 1/4, 6/8. तो यहाँ पे कोई भी ऐसी, सिर्फ आपने इन्हीं को याद नहीं कर लेना, खुद से भी आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. लेकिन आपका ये है रूल ये हो कि आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में ये याद रखना है कि न्यूमिनेटर लेस हो डिनोमिनेटर से. नेक्स्ट क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. अब यहाँ पे वो क्या है, उससे टोटली ऑपोजिट है. जैसे हमने बताया था कि वहां पे हमारा न्यूमिनेटर छोटा होता है, यहाँ पे क्या है न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. जैसे 5/3, तो 5 का हमारा क्या है न्यूमिनेटर है और वो बड़ा है और 3 छोटा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लेवल 3 आपका वर्क क्या है, सिर्फ आपने ये याद रखना होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद रखनी है विद स्पेलिंग, और आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से याद करनी है कि आपने वर्ड टू वर्ड लिखने भी है और याद भी करनी है. और इनकी एग्जांपल आप खुद ये दें या इसे अलावा आप खुद भी दे सकते हैं. जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 9/4, 7/5. आपने ये याद रखना होगा कि यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो कि हमारा न्यूमिनेटर बड़ा हो, और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो कि हमारा न्यूमिनेटर छोटा हो. ओके, लेवल 3, अल्लाह हाफिज़.